नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं रीट शिक्षक भर्ती 2022 में संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, तो इसके ऊपर बिल्कुल गहन अध्ययन के बाद आपके लिए कट ऑफ है तो तैयार की गई है। अगर आपके नंबर भी इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर है, और यह जो कट ऑफ है ये आपके जो आपने आपत्ति दर्ज करवाई थी उन क्वेश्चनों के बाद जो आपकी रिवाइज आंसर की आपकी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए आंसर की बनाई गई, ये कट ऑफ आपके लिए बनाई गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके कुल पद है आपको सभी को पता है, आपके 1808 कुल पद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर अगर मुकाबले की, तो मुकाबला दोस्तों यहाँ पर 32 के अंदर यानी कि एक पद के लिए 32 कैंडिडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो मुकाबला भी काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों कट ऑफ की, तो यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है 195 से 190 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है 190 से आपको यहाँ पर 195 के करीब आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है 185 से 193 के लगभग आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी की कट ऑफ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है 175 से 180 के करीब। अगर बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है संस्कृत के अंदर 165 से 170 के करीब। तो ये आपके लिए जो कट ऑफ हमने तैयार की है ये आपके रिवाइज आंसर की को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ आपके लिए बनाई गई है। अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं तो उसके वीडियो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रीट से जुड़ी पल पल के कराते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।